गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायनेट लाइफस्टाइल। दोस्तों करवा चौथ आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऐसे में महिलाएं अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। बाजार सज गए हैं, कपड़ों से लेकर ब्यूटी पार्लर और मेहंदी से लेकर ज्वेलरी शॉप तक करवा चौथ के लिए महिलाएं चक्कर लगा रही हैं। इन सभी तैयारियों के लिए आप पैसे और समय दोनों ही खर्च करती हैं, लेकिन सबसे जरूरी है आपकी ब्यूटी। इसके लिए क्या आपने तैयारी शुरू कर दी है? हर महिला करवा चौथ में सबसे ज्यादा सुंदर दिखना चाहती है, इसके लिए कुछ महिलाएं पार्लर जाती हैं, लेकिन आप सभी को पता ही है ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट हमारी स्किन को खराब करता है। फेशियल, ब्लीच, क्लीन अप और मेकअप आप करवाती ही हैं, लेकिन इतने पैसे आप सिर्फ एक दिन सुंदर दिखने के लिए ही खर्च कर देती हैं। चलिए इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप नेचुरल ग्लो ला सकती हैं। इसकी मदद से आपकी स्किन चमकदार और चिकनी लगेगी और इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं उन स्किन केयर टिप्स के बारे में। नंबर एक, रोज लगाएं टमाटर का रस। दोस्तों धूप में ज्यादा देर तक रहने से त्वचा में टैनिंग की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी रंगत बिगड़ने लगती है और खूबसूरती कम होने लगती है। टैनिंग को कम करने के लिए आप घरेलू उपाय अपना सकती हैं। आज से करवा चौथ तक रोजाना एक उपाय को आजमाकर आप टैनिंग को दूर कर सकती हैं। साथ ही आप अपनी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग भी बना सकती हैं। इसके लिए एक कच्चा टमाटर लेकर उसका छिलका निकाल लें, फिर 2 चम्मच दही के साथ टमाटर को मिलाकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए और अपनी स्किन पर 20 मिनट के लिए लगा रहने दें, बाद में पानी से धो लें। नंबर 2, हल्दी बेसन पैक। दोस्तों स्किन के लिए हल्दी और बेसन दोनों ही बेस्ट होते हैं। लगातार हल्दी और बेसन का इस्तेमाल करने से टैनिंग की समस्या दूर होती है और स्किन गोरी होने लगती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा सा बेसन मिला लें। इसके साथ ही दूध और पानी दोनों को मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को स्किन और बॉडी पर लगा लीजिए और बाद में गुनगुने पानी से इसे धो लें। नंबर 3, आलू का रस और खीरे का रस। दोस्तों जिन महिलाओं को आंखों के नीचे काले धब्बे यानी कि डार्क सर्कल होते हैं, उनके लिए ये घरेलू नुस्खा काफी कारगर है। वैसे स्किन केयर में खीरे का रस और आलू का रस नियमित तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो हमारी स्किन हेल्दी बनी रहती है। डार्क सर्कल से छुटकारा पाने के लिए आप खीरे का रस रोजाना अपनी आंखों के नीचे अप्लाई करें, 15 मिनट बाद फेस अच्छे से धो लें। वहीं आलू का रस ब्लीच का काम करता है। जिन जिन महिलाओं का स्किन टोन डार्क होता है, वह आलू का रस रोजाना लगाएं। दोनों को मिक्स करके भी आप लगा सकती हैं। इससे आपके डार्क सर्कल भी दूर हो जाएंगे और आपका स्किन टोन लाइट होने लगेगा। नंबर 4, स्किन केयर में इन बातों का रखें ध्यान। नंबर 1, नियमित करें मसाज। दोस्तों चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए फेस मसाज करना बेहद ही जरूरी होता है, इसलिए आप डेली फेस मसाज जरूर करें। नंबर 2, हेल्दी डाइट करें शामिल। दोस्तों खाने में हेल्दी डाइट को शामिल करें। इसमें सलाद, रायता, सब्जी, दाल, रोटी, चावल, फल, सब चीजें शामिल होनी चाहिए। ये आपकी स्किन को एक नेचुरली ग्लोइंग देती हैं, इसलिए आप इन चीजों का सेवन जरूर करें। नंबर 3, पर्याप्त नींद लें। दोस्तों आपकी नींद पूरी नहीं होती तो उसका असर आपके चेहरे पर सबसे पहले दिखता है। आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं, त्वचा बहुत ही ज्यादा डल लगने लगती है, इसलिए आप पर्याप्त नींद लें। नंबर 4, खूब पानी पिएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, साथ ही हमारी स्किन के लिए भी पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए आप पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आपको सादा पानी पीना पसंद नहीं है तो आप कोई भी ड्रिंक पी सकती हैं, जैसे कि नारियल पानी, जूस और लस्सी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।